सुशांत सिंह राजपूत मामले में राजनीतिक दखल अंदाजी की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का भी नाम इस पूरे मामले में खींचा जा रहा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे अचानक आदित्य ठाकरे का नाम हम क्यों ले रहे हैं, तो आपको बताएं कि सुसाइड और मर्डर एक ऐसी बायोपिक जो सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी पर बन रही है, उनके जो मामले हैं उस पर बन रही है, इस फिल्म में भी आदित्य ठाकरे का किरदार दिखाया जाएगा। जी हाँ, प्रणव उपाध्याय नाम के एक एक्टर हैं जो आदित्य ठाकरे का किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं विजय शेखर गुप्ता, जिन्होंने एक इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे के किरदार के बारे में क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं इस वीडियो में। उन्होंने कहा है कि फिल्म की कहानी और किरदारों की मांग के हिसाब से हम कलाकारों की कास्टिंग कर रहे हैं। विजय शेखर गुप्ता ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि फिल्म में किसी भी किरदार को असली नाम नहीं दिया गया है और इस राजनीतिक किरदार का नाम भी फिल्म में कुछ और ही होगा। हम ये कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि ये किरदार आदित्य ठाकरे पर आधारित। दोस्तों, जाहिर है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म बनाई जा रही है सुसाइड और मर्डर, तो सुशांत मामले के आसपास इर्द गिर्द जितने भी लोग शामिल हैं उन सभी का होना इस फिल्म में लाजमी ही है। अब और क्या खासियत होगी इस फिल्म की, रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहें हमारे साथ।